तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी वहाँ पे सारे मजदूर फंसे हुए थे उत्तरकाशी में सिलक्यारा में जो टनल बन रही थी उसमें सारे मजदूर फंसे हुए थे, वो अब सकुशल बाहर आ गए हैं। सारे ही लोग बिल्कुल फिट हैं और सभी लोग बहुत ही खुश हैं उन्हें देखकर। तो सब लोग बाहर आ गए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और उनकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतने दिन तक वो टनल में फंसे रहे, क्योंकि एक दिन भी कोई घर के अंदर ही ऐसे रहता है तो बहुत सफोकेशन हो जाती है, पूरी घर के अंदर ही कोई बंद रहे ऐसे। तो वो तो इतने दिनों तक ऐसे इस टनल में फंसे रहे जहाँ पर सांस लेने की भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये भी बहुत ही हिम्मत की बात है। और हमारे भी सारे मिनिस्टर्स और जितनी भी रेस्क्यू टीम थी उन्होंने भी पूरा जोर शोर लगाया उन्हें बाहर निकालने में, पूरी मेहनत कब से लगे हुए थे, दिन रात लगे हुए थे, और आखिर में उन्हें सफलता मिल ही गई। उन सभी को अप्रिशिएट करना तो बनता ही है, पर दिल से उस शक्ति को भी दिल से धन्यवाद है जिनका वास वहाँ पर है, बाबा बौकनाथ जी। तो ये कहा जा रहा था कि जहाँ पर टनल बन रही थी तो वहाँ पे बाबा बौकनाथ जी का एक छोटा सा मंदिर था, तो वो मंदिर तोड़ा गया था टनल बनाते हुए। तो जब मजदूर वहाँ पर फंसे उसके बाद जब सब कुछ करते हुए भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, सारी मशीनें टूट रही थी और कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तो फिर जिन पे बाबा बौकनाथ अवतरित होते हैं उनको लाया गया, पूजा की गई। फिर बाबा बौकनाथ जी जब उन पे अवतरित हुए तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर मंदिर था तो वो तोड़ा गया, और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाया जाए और पूजा की जाए। और उन्होंने सबको ये आश्वासन दिलाया था, ये विश्वास दिलाया था कि किसी को कुछ भी नहीं होगा अंदर, सब सकुशल बाहर आ जाएंगे। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर आ गए हैं, और एक छोटा सा मंदिर भी आप देख रहे होंगे, ये उसके बाद बनवाया गया था। और ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जो पहाड़ है, चट्टान है, उससे पानी रिसकर जो बाहर आ रहा है वो भगवान शिव की उसमें एक रूप दिखाई दे रहा है, एक छवि दिखाई दे रही है, एक रेप्लिका दिखाई दे रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान शिव अपने तांडव रूप में होते हैं। और कहा जा रहा है कि सीएम धामी ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण होगा बाबा बौकनाथ जी का। और जब सभी मजदूरों को बाहर निकाल दिया था रेस्क्यू टीम ने, उसके बाद सभी लोग मंदिर में माथा टेकने गए और हाथ जोड़कर वहाँ पर भगवान से, भगवान का धन्यवाद किया और तब जाकर वहाँ से आए। तो कौन है बाबा बौकनाथ? बाबा बौकनाथ जी को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है, और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये उनका ही मंदिर है भाटिया गाँव उत्तरकाशी में। और ये गांव बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर जाकर, और हर साल बाबा बौकनाथ जी की पूजा की जाती है जून के महीने में। तो मैं खुद अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ जो मैं 2 बार वहाँ जा चुकी हूँ जब वहाँ पर पूजा होती है, तो वो जब वहाँ पे पूजा की जाती है वो देखने में बहुत ही आनंद आता है, मैं बता नहीं सकती हूँ वर्ड्स में कि कैसा लगता है उस टाइम पे। तो ये देखिए कुछ क्लिप्स मेरे पास है उस टाइम की, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए बाबा बौकनाथ जी का मंदिर बहुत ही सुंदर सजाया जाता है उस टाइम पे जो ये। तो वैसे तो ये पूजा है 2 दिन पहले से ही पूजा की तैयारियां होने लग जाती हैं, दिन में माला वाला बनाई जाती हैं और फूलों की माला जैसे आप देख रहे होंगे, और फिर रात को सब लोग मिलकर ट्रेडिशनल डांस करते हैं। तो अगले दिन सब लोग मिलकर बाबा बौकनाथ की डोली लेने दूसरे गाँव में जाते हैं और नाच गाकर और बहुत ही हर्षोल्लास से डोली को अपने गाँव में लाते हैं, अपने मंदिर में। और फिर अगले दिन पे यहाँ पे इस तरीके से पूजा होती है और बाबा बौकनाथ का आवाहन करते हैं। और यहाँ की ये भी मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगता है तो उन्हें ज़रूर मिलता है। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे पूजा में शामिल होके मन को बहुत ही सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हों। नाचते गाते सब लोग डोली को ले जा रहे हैं।